अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं भाई? इस वक्त मैं अभी आया था, आज बर्मिंघम आया था मैं। बर्मिंघम में हमारा हमारा लाडला प्यारा छोटा भाई दोस्त जवाद रहता है। वैसे तो बहुत लोग हैं बर्मिंघम में, लेकिन जवाद का प्यार जो है ना इसकी फैमिली का इसका इतना है। जवाद ने कहा सब आप मेरे पास आ जाए, मैंने कहा मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। ये सारे दोस्त हैं जवाद भाई हमारे, सारे दुनिया में दोस्त हैं ये। जज़ाकअल्लाह मुफ्ती साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा लिया है। ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमको ये एक दोस्त है मुफ्ती साहब के, उनके घर जा रहे हैं, उनके बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है उसकी तकरीब में, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी ज़रा, तो निकल पड़े हैं फिर ऐसे ही। बस दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक करम करे सब। माशाल्लाह भाई आप हजरात ने जवाद के लिए भी दुआ करनी है, मेरे लिए भी करनी है। और आज माशाल्लाह बर्मिंघम में मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम लोग बर्मिंघम से जा रहे हैं रेडिज। रेडिज के अंदर जो है मस्जिद है और वहाँ पर माशाल्लाह प्रोग्राम है। फिर हमारे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग हैं हाजी यासीन साहब, और उनकी बहुत ज़्यादा काफ़ी अरसे से बेचारे बीमार हो गए, तो प्रोग्राम के बाद उनके घर हम आपको देना है, और करीब एक विजिट होने वाला है माशाल्लाह। अभी नेक्स्ट वीकेंड तो डबलन का सफ़र है आइलैंड का, तो वहाँ पे प्रोग्राम है माशाल्लाह। हमारे साथी हैं अजमा सुहेल बाबा साहब, उनके साथ फिर इंशाल्लाह एक 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 सीक्रेट सफ़र करना है, वो मैं आप हजरात को बताऊँगा। और इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उसको कामयाबी दे। बाकी सबसे पहले सफ़र किया तलबी में।